हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरएस मेन की साइंस की क्लास, जिसमें मैं आपको साइंस के कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा। और दोस्तों, आपको इतना ही करना है जितना मैं आपको करवाऊं, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टॉपिक्स आपको साइंस के मैं करवाऊंगा और कुछ रमेश सर करवाएंगे। तो आज का हमारा जो साइंस का टॉपिक है वो रहेगा हमारा पीएच स्केल। दोस्तों, जितना टॉपिक हमारे द्वारा करवाया जा रहा है उतना आपके लिए इनफ है, आपको उतना ही करना है और डेफिनेट आपके लिए उतना इनफ होगा, एग्जाम में आपको उसी टॉपिक में से क्वेश्चन मिल जाएगा। दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच स्केल। इसके लिए मैं आपको डिटेल से बताना स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, पीएच स्केल जिस प्रकार एनवायरमेंट का टेम्परेचर या हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब हमें कैलकुलेट करना होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, तो जब बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहा है तो उसके लिए उसे एक स्केल चाहिए, जिसे हम कहते हैं थर्मामीटर। तो उसी प्रकार अगर कोई पदार्थ एसिड है या बेस है, यानी कि अम्ल है या क्षार है, अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस, अगर कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है, उसे चेक करने के लिए जो एक पैमाना या जो एक कैलकुलेटर जो हम कह सकते हैं यूज में लिया जाता है, वो है हमारा पीएच स्केल। पीएच के अंदर पी का अर्थ होता है पावर, पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पावर। और एच का अर्थ होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो पीएच स्केल का उपयोग कहां किया जाता है दोस्तों? किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए जो स्केल काम में लेते हैं, यानी कि इससे हमें यह पता लग जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या कोई पदार्थ क्षार है। अगर कोई पदार्थ अम्ल होगा तो उसके बारे में भी पीएच स्केल हमारा बता देगा, और कोई पदार्थ क्षार होगा तो पीएच स्केल उसके बारे में भी हमें बता देगा। आरएस मेंस के अंदर दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। पीएच स्केल की पूछी जाती है खोज। आई विल रिपीट, पीएच का उपयोग किस लिए किया जाता है? जिस प्रकार हमारे एनवायरमेंट के अंदर या हमारे शरीर की बॉडी का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए जो थर्मामीटर उपयोग में लेते हैं, उसी प्रकार किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए जो स्केल हमारे द्वारा यूज में लिया जाता है वो कौन सा होता है? पीएच स्केल। पीएच स्केल में पी का अर्थ तो है पावर यानी कि शक्ति, और H का मीन होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब दोस्तों बात आती है पीएच स्केल की खोज किसने की। दोस्तों, पीएच स्केल की खोज की गई थी एक वैज्ञानिक के द्वारा, और उस वैज्ञानिक का नाम है सोरेनसन। किसके द्वारा की गई थी? सोरेनसन के द्वारा। किसकी खोज? पीएच स्केल की। तो यहां पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई? तो पीएच स्केल की खोज की गई थी सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। अब यहां पे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने तो की, लेकिन कब की? तो इसकी खोज की गई थी 1909 में। किसकी खोज की गई थी? पीएच स्केल की। तो इसको याद रखने के लिए हम एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, सोरेनसन से ही, सोरेनसन। दोस्तों यहां पे वन लगा दीजिए, यहां पे जीरो लगा दीजिए। अगर यहां पे वन लगाते हैं, यहां पे जीरो लगाते हैं, देखो ये बन चुका है 1909। तो सोरेनसन ने पीएच स्केल की क्या की गई थी? खोज की गई थी। और पीएच स्केल क्या काम में आता है? किसी भी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को जांचने के लिए। अब जब हमें किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को जांचना है तो इसके लिए एक पैमाना फिक्स किया गया है दोस्तों, और वो पैमाना होता है 0 से लेकर 14 तक। यानी कि जो पीएच स्केल है हमारे पास उसकी एक फिक्स वैल्यू दी गई है 0 से लेकर 14 तक। इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, 0, 7 और 14। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो पदार्थ उदासीन कहलाता है। जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है? उदासीन। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? उदासीन पदार्थ का पीएच मान कितना होता है? 7। और जो उदासीन पदार्थ है उसका हमें कम से कम एक नाम भी पता होना चाहिए, जिसका नाम है शुद्ध जल। शुद्ध जल, इसे हम शुद्ध जल भी कह सकते हैं, इसे हम अशुद्ध जल भी कह सकते हैं। अशुद्ध जल, तो
तो पीएच स्केल के अंदर दोस्तों, पीएच स्केल के अंदर जो वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो एक स्केल पे की जाती है, और वो स्केल पे वैल्यू कितनी गिवन होती है हमारे पास, 0 से लेकर 14 तक। जो 7 वैल्यू है, 7 पे जो विलयन होगा वो हमारा होगा उदासीन। उदासीन एक पदार्थ है जिसे हम जानते हैं, और वो है शुद्ध जल। और शुद्ध जल यानी कि वाटर, ये हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुद्ध जल, इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला होता है H2O। शुद्ध जल कह दिया जाए या आशुद्ध जल कह दिया जाए या आश्रित जल कह दिया जाए, आश्रित जल, इसकी पीएच का मान कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। 7 से कम जिसकी वैल्यू होती है वो पदार्थ हमारा कहलाता है अम्ल, और 7 से जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है वो कहलाता है क्षार। यानी कि अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 4.5 है तो देखो 7 से वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब वो पदार्थ हमारा कैसा होगा, अम्लीय होगा। और जब किसी विलयन की पीएच का मान 7 से ज्यादा आता है, जैसे मान लो किसी की विलयन का मान 10.5 है, 10.5 का मतलब 7 से ज्यादा है और 14 से कम है, इसका मतलब वो पदार्थ हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। तो अगर इसका मैं एक हल्का सा स्केल बनाने की कोशिश करता हूं तो वो स्केल कुछ इस तरीके से डिनोट किया जाता है, इस तरीके से। यहां पे 0, यहां डिनोट किया जाता है 7, और यहां डिनोट किया जाता है 4। जब किसी पदार्थ में अम्लता बढ़ती है, इसका मतलब होता है H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, H+ आयन की सांद्रता, क्योंकि H+ और OH- आयन होते हैं। जब किसी पदार्थ में H+ आयन की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या हो रहा है, अम्लीय हो रहा है। और जब किसी पदार्थ में OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है, OH- आयन की सांद्रता, जब किसी पदार्थ में OH- आयन की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब वो पदार्थ क्या होता है, क्षारीय होता है। 7 से कम वाला अम्लीय होगा, 7 से अधिक वाला क्षारीय होगा। 7 से कम वाला पदार्थ अम्लीय कहलाता है और 7 से अधिक वाला पदार्थ क्षारीय कहलाता है। यानी कि जब किसी विलयन की पीएच का मान 0 से 7 के बीच में बिलोंग करेगा, जब किसी विलयन की पीएच का मान 0 से 7 के बीच में बिलोंग करेगा, वो पदार्थ तो मेरा कहलाएगा अम्लीय है। और जब किसी पदार्थ की पीएच का मान 7 से 14 के बीच में बिलोंग करेगा, वो मेरा पदार्थ क्या कहलाएगा, क्षारीय। तो जिस पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वो पदार्थ मेरा कहलाता है उदासीन। उदासीन पदार्थ का अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूं तो वो मैं कह सकता हूं शुद्ध जल, आशुद्ध जल या आश्रित जल, तीनों एक ही नाम है। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अब बात आती है जिस पदार्थ का पीएच मान 14 होता है, जिस पदार्थ का पीएच मान 14 होता है, उस पदार्थ का कोई ना कोई एक हमें क्या बताना होगा, नाम बताना होगा, या उस पदार्थ का एक हमें क्या बताना होगा, सूत्र बताना होगा। तो अगर मैं 14 पीएच वाले पदार्थ का मान या सूत्र लिखूं तो वो होता है NaOH। NaOH का दोस्तों पूरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या इसे कहा जा सकता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक और नाम भी है, इसे कहा जाता है कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ही कह देते हैं हम इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा विलयन है जिसकी पीएच का मान कितना होता है, 14 होता है। यानी कि ये एक पदार्थ क्या है, क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है, क्षारीय प्रकृति का, जिसकी पीएच का मान कितना होता है, 14। अगर मैं 0 विलयन वाले पीएच का मान ज्ञात करूं तो एक ऐसा पदार्थ जिसकी पीएच का मान 0 होता है वो है एक HCl। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह दिया जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह दिया जाए, ये एक ऐसा अम्ल है जो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है, ये एक ऐसा अम्ल है जो बहुत ही प्रबल अम्ल होता है। और प्रबल अम्ल में उसकी वैल्यू कितनी है, 0, और उस पदार्थ का नाम क्या है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जिस पदार्थ का नाम मैंने NaOH लिखा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। और इसकी प्रकृति दोस्तों होती है प्रबल क्षारीय, प्रकृति कैसी होती है, प्रबल
क्षारीय, क्योंकि प्रबल और दुर्बल दो प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इसमें NaOH की प्रकृति है वो कैसी होती है? प्रबल क्षारीय। और जो हमारा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रबल अम्लीय। उसकी प्रकृति कैसी होती है? प्रबल अम्लीय। अब इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। दैनिक जीवन में समझाने से पहले मैं आपको इसको छोटा सा एक बार रिपीट कर देता हूं। पीएच, पीएच में पी का अर्थ क्या होता है? पावर। और एच का अर्थ क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच की खोज किसने की? पीएच की खोज की गई सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा सन 1909 में। पीएच का उपयोग कहां किया जाता है? किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारकता को जांचने के लिए पीएच का उपयोग किया जाता है। अब ये स्केल कहां से कहां तक काम करता है? 0 से लेकर 14 तक। अगर वैल्यू 7 है, 7 का मतलब उदासीन प्रकृति का है, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति का, और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय प्रकृति का। अगर वैल्यू 14 है तो वैल्यू क्या रहेगी मेरी? प्रबल क्षारीय। और अगर वैल्यू 7 है तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी? प्रबल अम्लीय। सॉरी, 7 है तो वैल्यू क्या रहेगी? उदासीन। और जब वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या रहेगी मेरी? प्रबल अम्लीय। उसके बाद 7 से कम वाली वैल्यू अम्लीय प्रकृति की, 7 से ज्यादा वाली वैल्यू क्षारीय प्रकृति की। अब इसमें एक और बात आती है, पीएच किसे कहते हैं? दोस्तों फर्क है पीएच स्केल और पीएच में। वो पीएच स्केल है और यह है पीएच। पीएच की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पीएच की डेफिनेशन है हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के, सांद्रता के ऋणात्मक, ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। और अगर इसको मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है पीएच इज इक्वल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको मैंने लिखा ब्रैकेट में, के ऋणात्मक लघुगुणक। ऋणात्मक का मतलब माइनस साइन, लघुगुणक का मतलब होता है दोस्तों लोग। तो इसका फॉर्मूला बनता है माइनस लोग एच प्लस, और यहां पे बेस रहता है इसका 10। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहा जाता है? पीएच। आई विल रिपीट, पीएच स्केल और पीएच में पूछा जाता है पीएच के बारे में, लिख दिया जाता है पीएच स्केल की डेफिनेशन। पीएच स्केल तो होगा जिसमें पी का अर्थ होता है पावर और एच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। लेकिन पीएच में अगर पीएच की डेफिनेशन लिखनी पड़े, पीएच स्केल नहीं सिर्फ पीएच की, तो पीएच की डेफिनेशन है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहा जाता है? पीएच कहा जाता है। और अगर इसका फॉर्मूला डिनोट करना चाहें तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक को क्या कहा जाता है? पीएच। अब इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत अधिक महत्व है। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में भी, अगर हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, अगर हम खुद में बात करें तो उस पर भी, हमारे मुख के अंदर भी पीएच का बहुत महत्व है। और अगर हमारे आसपास प्रकृति के अंदर देखा जाए तो प्रकृति के अंदर भी पीएच का बहुत अधिक महत्व है। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है। और जो भी व्यक्ति विशेष की अगर हम बात करें या अगर हम खुद की बात करें, तो हमारी जो डेली लाइफ के अंदर हम जो पीएच यूज करते हैं वो भी एक फिक्स वैल्यू होती है। हमारा जो शरीर है वो भी एक फिक्स वैल्यू पे ही वर्क करता है। अगर हमारी फिक्स वैल्यू जो शरीर की पीएच की है कंट्रोल में नहीं रहेगी, तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाता है या हमारे शरीर को अनेक बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं। पीएच का हमारे दैनिक जीवन में इतना महत्व है कि अगर हम पीएच को मेंटेन न करें तो इससे जीव जंतु भी मरने लगते हैं और मानव के शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो पीएच का हम पढ़ते हैं हमारे दैनिक जीवन में महत्व, पीएच का महत्व। और जो पीएच का महत्व पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं डेली लाइफ में, डेली लाइफ में हमारी पीएच का हमारे जीवन में क्या महत्व है। देखो सबसे पहले हम पीएच का दैनिक जीवन में महत्व पढ़ते हैं प्लांट्स में, यानी कि पेड़ पौधों में। पेड़ पौधे एक निश्चित पीएच पर अपना जीवन यापन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे एक फिक्स पीएच पर रहते हैं। अगर उनकी पीएच का मान कम हो जाए या अधिक हो जाए तो उनमें कुछ
परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है या कुछ खराब होने पौधे स्टार्ट होते हैं, पेड़ पौधे और पशुओं पर पड़ते हैं। पशुओं के अंदर अगर हम बात करें तो प्राणी भी हम इसके अंदर काउंट कर सकते हैं, यानी कि मानव या जीव जंतु, मानव जीव जंतु और पेड़ पौधे। देखिए इन सभी पे इफेक्ट किस प्रकार पड़ते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेड़ पौधों में। बारिश हुई, बारिश में आता है वाटर, यानी कि H2O। देखो जब साल की पहली बारिश होती है, कहा जाता है कि साल की पहली बारिश हमारे सेहत के लिए या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। उसका रीजन ये है कि जब हम आसपास ऐसे इस समय वातावरण से घिर चुके हैं जहां पर जो मोटर गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स हैं, हर व्यक्ति की एक आवश्यक चीज बन गई है, आवश्यक जरूरत बन चुका है, तो आवश्यक जरूरत बन चुका है, तो जो गाड़ियां चलती हैं उनसे एक बहुत ही हानिकारक गैस प्रोड्यूस होती है जिसे कहा जाता है CO2। जिसे क्या कहा जाता है? CO2। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो हानिकारक गैस प्रोड्यूस होकर एनवायरनमेंट में पहुंचती है, जब वो हानिकारक गैस प्रोड्यूस होकर एनवायरनमेंट में पहुंचती है, अब एनवायरनमेंट से वो बाहर नहीं निकल पाती, वो हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है और वायुमंडल के ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है। जब बारिश होती है, बारिश के अंदर पानी की बूंद के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बारिश के अंदर पानी की बूंद के साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस धुएं के साथ रिएक्ट करके और वो जमीन पर गिरती है। अब अगर वो पानी जिसके अंदर कौन सी गैस मिक्स्ड है, CO2, CO2 के अलावा भी विकल्प से और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर हम मोस्टली CO2 और SO2 की बात करें, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की, तो उन गैसों का मिक्स पानी जब हमारी त्वचा पे गिरेगा, जब ह्यूमन बॉडी पे गिरेगा, यानी कि जब हमारी त्वचा पे गिरेगा, तो मनुष्य को त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, त्वचा का कैंसर। और यहां पे बात आती है उस वर्षा को क्या कहते हैं, उस बारिश को कहा जाता है अम्लीय वर्षा। उस वर्षा को क्या कहा जाता है? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन, एसिडिक रेन। अम्लीय वर्षा जब हमारी त्वचा पर गिरती है तो मनुष्य को कौन सा रोग हो सकता है? मनुष्य को त्वचा का रोग होने की संभावना रहती है। और पूछा जाता है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिडिक रेन का पीएच मान कितना होता है? एसिडिक रेन का पीएच मान होता है 5.6 से कम। अगर पानी का पीएच मान या वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो वो वर्षा कौन सी कहलाती है? मेरी अम्लीय वर्षा कहलाती है, जिसकी पीएच का मान कितना होता है? 5.6 से कम। तो ये पानी जब हमारी त्वचा पे गिरा तो त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी। अगर ये पानी यानी कि जो अम्लीय वर्षा है किसी बिल्डिंग पे गिरती है तो बिल्डिंग का धीरे धीरे विनाश होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमारे आगरा के अंदर जो बना हुआ ताजमहल है वो बना हुआ है CaCO3 का, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जा सकता है, या संगमरमर कहा जा सकता है, संगमरमर के पत्थरों का बना हुआ है, उसका सूत्र होता है दोस्तों CaCO3। तो जो अम्लीय वर्षा CaCO3 पे गिरती है या किसी बिल्डिंग पे गिरती है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की जो चट्टानें हैं या जो पत्थर हैं वो क्या होने लगते हैं? धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। तो जो ये अम्लीय वर्षा ताजमहल पे गिरती है जिसके कारण ये ताजमहल अपने कलर को क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, जिससे ताजमहल का जो कलर है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, यानी कि जो संगमरमर व्हाइट कलर का था वो अपने कलर में धीरे धीरे क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है, जिससे उसकी जो सुंदरता है, जिससे ताजमहल की सुंदरता है वो धीरे धीरे क्या होने लगी है? नष्ट होने लगती है, लगी है या लगती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो जो बारिश है, बारिश ने त्वचा पर गिरा तो त्वचा का कैंसर होने की संभावना बढ़ गई। बारिश जो थी अगर बिल्डिंग पे गिरी, यानी कि बिल्डिंग में अगर मैं बात करूं ताजमहल पे, तो उसका जो पत्थर था धीरे धीरे विनाश होना स्टार्ट हो गया। यही बारिश अगर पेड़ पौधों पे गिरती है, यही बारिश अगर
पेड़ पौधों में गिरती है। तो जो पेड़ पौधे हैं या जो प्राणी हैं उनकी पीएच का मान फिक्स होता है 7 से 7.8। जो पेड़ पौधे हैं या पृथ्वी पर रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनकी जो पीएच का मान होता है वो होता है 7.0 से 7.8। यानी कि इस लिमिट के बीच अगर एनवायरनमेंट की पीएच होगी तो वो जीव जंतु जीवित रहते हैं, लेकिन जब उन व्यक्तियों की पीएच का मान या एनवायरनमेंट की पीएच का मान इससे कम हो जाता है तो जीव जंतु पर इफेक्ट पड़ता है और मनुष्य पर इफेक्ट पड़ता है। अब अगर यही अम्लीय वर्षा मिट्टी में गिरती है, यानी कि सोइल, अगर यही अम्लीय वर्षा मिट्टी में गिरती है, मिट्टी की प्रकृति होती है दोस्तों क्षारीय। मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। लेकिन जब अम्लीय वर्षा इसके अंदर गिरती है तो उसकी प्रकृति हल्की क्षारीय हो जाती है। मिट्टी की प्रकृति कैसी हो जाती है? हल्की क्षारीय। यानी कि मिट्टी की जो क्वालिटी है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। जब मिट्टी की क्वालिटी में हल्का सा परिवर्तन आ जाता है तो उसकी जो उपज करने की क्षमता है, फसल के उपजने की क्षमता, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके लिए उसके मिट्टी के अंदर क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है, चूना। क्षारीय पदार्थ मिलाया जाता है चूना, CaOH का होल ट्वाइस। ये पदार्थ मिलाया जाता है जिससे मिट्टी को दोबारा क्या बनाया जाता है? क्षारीय बनाया जाता है। मिट्टी के अंदर अम्लीय वर्षा पड़ी तो मिट्टी की जो उपजने की क्षमता थी वो कम हो गई। अगर यही वर्षा या यही बारिश का पानी अगर नदियों के अंदर प्रवाहित होता है, यही बारिश का पानी अगर किसमें प्रवाहित होता है? नदियों में प्रवाहित होता है। तो नदियों में प्रवाहित होने के बाद वर्षा कैसी है? अम्लीय है। जब ये पानी नदियों में जाता है, नदियों के अंदर जो जीव जंतु निवास करते हैं उनकी एक फिक्स पीएच है, लेकिन जब अम्लीय वर्षा उस नदियों के अंदर जाएगी तो उसकी पानी का पीएच मान 7 से क्या कर देगी? कम कर देगी। और वो पदार्थ क्या बना देगी? अम्लीय बना देगी। अम्लीय बनाने के बाद वो जीव जंतु धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? मरने लगते हैं। इस प्रकार जो पीएच है वो हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है। अगर अब हम बात करें दंत क्षय पर, दंत क्षय का मतलब है हमारे मुख पर, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं। आप वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जो अम्लीय वर्षा है वो हमारे स्वास्थ्य पर या जो हमारे दैनिक जीवन में किस प्रकार हमारी लाइफ को इफेक्ट करती है या हमारे दैनिक जीवन में हमारी जो डेली लाइफ की चीज है उसको कैसे प्रभावित करती है वो हम इसमें देख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी दंत क्षय पर। दंत क्षय, देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, दंत का मतलब हमारे दांत और क्षय का मतलब क्या है? शरण होना, यानी कि हमारे दांतों का नष्ट होना धीरे धीरे, दांतों के इनेमल का नष्ट होना, नष्ट होना। तो यहां पे दोस्तों हमारी सबसे पहले बात आती है हमारे पूरे शरीर का, हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग क्या होता है? हमारे पूरे शरीर का या पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है हमारे दांतों का इनेमल, दांतों का इनेमल। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग या सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? हमारे दांतों का इनेमल होता है। और एक किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम फास्फेट के बना होने का मतलब है कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca+2, फास्फेट का फॉर्मूला होता है PO4-3। जब मैं इसका फॉर्मूला प्रोड्यूस करता हूं पॉजिटिव साइन से नेगेटिव साइन में क्या कर देता हूं? काट देता हूं। तो Ca वैसे का वैसे, PO4 वैसे का वैसे। सिर वाली जो चीज है कहां चली जाएगी? दूसरे के पैरों में चली जाएगी और ये यहां आ जाएगा 2 और यहां आ जाएगा 3। यानी कि जो हमारे दांतों का इनेमल है वो हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और वो किसका बना होता है? वो बना होता है कैल्शियम फास्फेट का। तो पूछा जाता है कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला क्या होगा?
सी ए थ्री पी ओ फोर का ट्वाइस। इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर पूछा जाता है कि हमारे दांतों का इनेमल जो है वो किसका बना होता है, हमारे दांतों का जो इनेमल होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, और कैल्शियम फास्फेट का फॉर्मूला सी ए थ्री पी ओ फोर। अब हमारे दंतशय का प्रारंभ कैसे होता है, दंतशय का प्रारंभ होता है हमारे मुख में, दंतशय का प्रारंभ होता है हमारे मुख में। जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद भोजन के छोटे छोटे कण हमारे मुख में फंस जाते हैं, छोटे छोटे कण हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं। अगर हमारे दांतों के अंदर ये भोजन के छोटे छोटे कण फंस जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे मुख के अंदर बैक्टीरिया पैदा करते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करता है, दांतों का क्षय करने लगता है। वो बैक्टीरिया हमारे दांतों पर इतना ज्यादा प्रभावी है कि हमारे दांतों का जो इनेमल है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, उसको वो क्या करने लगता है, नष्ट करने लगता है, जिससे हमारे दांतों के अंदर पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है। जिससे हमारे दांतों का कौन सा कलर आना स्टार्ट हो जाता है, पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, या जो हमारे दांत है वो किस कलर के बन जाते हैं, पीले कलर के बन जाते हैं। इस चीज को दूर करने के लिए या इस प्रक्रिया को दूर करने के लिए कि जो हमारे दांत है वो क्षय होने से बच जाएं, उसके लिए हमारे द्वारा उपयोग में लिया जाता है टूथपेस्ट, मोस्टली कोलगेट या अन्य प्रकार के जो भी उपकरण आपके द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं, जिससे हमारे दांतों की पीएच पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो हमारे दांतों के पीलेपन को नष्ट करने के लिए या जो बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए जो कण, जो चीज उपयोग में ली जा रही है वो क्या है, टूथपेस्ट। तो पूछा जाता है मुख की दंत क्षय को रोकने वाले पदार्थ टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। तो देखो दोस्तों, हमारे मुख के अंदर बैक्टीरिया पैदा करते हैं अम्ल, और अमल को खत्म करने के लिए जो भी चीज आपके द्वारा उपयोग में ली जाती है वो होती है क्षार। तो टूथपेस्ट की प्रकृति होती है क्षारीय, और कब, जब हमारे मुख का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तब हमारा मुख बैक्टीरिया पैदा करता है, और बैक्टीरिया पैदा करने के बाद हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कब, जब हमारे मुख का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम। हमारे मुख के अंदर छोटे छोटे भोजन के कण फंस जाते हैं, वो बैक्टीरिया पैदा करते हैं, जिससे हमारे दांतों पर क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है, और वो हमारे दांतों का सबसे कठोर भाग, दांतों का इनेमल क्या करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है। और जो हमारे द्वारा उसको नष्ट करने के लिए, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो टूथपेस्ट उपयोग में लिया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। अब हमारा जो इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक है, हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र का मतलब है हमारे द्वारा भोजन करने के बाद, हमारे द्वारा भोजन करने के बाद जो हमारे पीएच पर इफेक्ट पड़ता है वो क्या पड़ता है वो देखते हैं। पाचन तंत्र, हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव, कि पाचन तंत्र पर हमारे पीएच का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। हमारे पाचन तंत्र के अंदर जब हम भोजन करते हैं तो हमारा जो भोजन है वो जाता है हमारे आमाशय में, वो भोजन जाता है हमारे आमाशय में। हमारा आमाशय एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रावित करता है, और उस अम्ल का नाम है HCLN की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारा आमाशय है या हमारा जो उदर है, जो हमारा पेट है, एक प्रकार से स्टमक जिसे हम कहते हैं, वो एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रवण करता है, और उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या होता है, जब हमारे शरीर में अपच की स्थिति हो जाती है या कब्ज की स्थिति हो जाती है, तब ये HCl अम्ल नॉर्मल मात्रा में प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन जब अपच की स्थिति होती है तो हमारे शरीर में HCl आयन अधिक मात्रा में स्रावित होने लग जाता है। जब HCLN की हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में बहुत अधिक मात्रा में स्रावित होता है या बहुत ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, तो हमारे पेट में हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है, जिसका मतलब है हमारे पेट में हो जाती है एसिडिटी, जिससे हमारे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए, या हमारे द्वारा कहा जाता है, नॉर्मल अगर लैंग्वेज में हम बात करें तो पेट में गैस हो रही है, तो इसका मतलब है पेट व पेट के अंदर दर्द व जलन को क्या कहा जाता है, एसिडिटी। इसको कम करने के लिए हमारे एसिडिटी का मीन है पेट में क्या बढ़ चुकी है, अम्लता बढ़ चुकी है,
एसिडिटी का मतलब है पेट में क्या बढ़ चुकी है, अम्लता। इस अम्लता को खत्म करने के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करेंगे, बिल्कुल जस्ट इसके अपोजिट। इस अम्लता को खत्म करने के लिए, अम्लता को बिल्कुल दूर करने के लिए हमारे द्वारा क्षारीय पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये क्षारीय पदार्थ क्या करते हैं, इस अम्लता को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। जब हमारे पेट में क्या होती है, दर्द या जलन उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति को कहा जाता है एसिडिटी। और इस क्षारीय पदार्थ का एक अगर और नाम लिखा जाए तो वो है एंटासिड, या कहा जाता है एंटा एसिड, लेकिन प्राय बोलचाल की भाषा में हम एंटासिड कहते हैं। एसिडिटी को खत्म करने के लिए क्षारीय पदार्थ उपयोग में लिया जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, एंटासिड। और जो क्षारीय पदार्थ उपयोग में लिया जाता है वो होता है दोस्तों दुर्बल क्षारीय। उसकी प्रकृति कैसी होती है, दुर्बल क्षारीय। और उस पदार्थ का जो नाम है वो है MgOH का होल ट्वाइस, वो नाम मैं लिख देता हूं यहां, MgOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है दोस्तों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां किया जाता है, हमारे पेट के अंदर दर्द व जलन को खत्म करने के लिए जो एंटासिड पदार्थ उपयोग में लिया जाता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र पूछा जाता है MgOH का होल ट्वाइस। इसका एक और नाम भी है दोस्तों, इसका नाम है, पदार्थ क्या ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, जो हमारे पेट में अपच की स्थिति को या कब्ज की स्थिति को दूर करता है। इसका एक अन्य नाम है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाए या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाए, जो हमारे पेट के अंदर किसको दूर करता है, हमारे पेट के अंदर अपच की स्थिति को या हमारे पेट के अंदर दर्द व जलन को क्या कर देता है, कम कर देता है। यह है हमारे पाचन तंत्र पर पीएच का प्रभाव। नेक्स्ट जो हमारे पीएच का प्रभाव आता है वो आता है हमारी डेली लाइफ के अंदर, अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी पे, ह्यूमन बींग पे अगर बात करें हम, तो वो भी पीएच को प्रदर्शित करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी भी पीएच से इफेक्ट होती है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी किस प्रकार प्रभावित होती है, इनकी हमारा जो शरीर है वो पीएच से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो जब भी कोई कीट पतंगा या कोई जानवर, जैसे अगर टाटिए की बात करें हम, मक्खी की बात करें, जब इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमारे शरीर पर डंक मारा जाता है, क्या मारा जाता है, हमारे शरीर पर डंक मारा जाता है, तो ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या ये जो कीट पतंगे हैं, ये हमारे शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रवित करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार का अम्ल स्रवण करते हैं। उस अम्ल का नाम है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अमल। और जो फॉर्मिक नाम है ये लिया गया है चिंटी से, मोस्टली चिंटी की कीड़ी, फॉर्मिक यानी कि चिंटी से, क्योंकि चिंटी को कहा जाता था फॉर्मिका, और इसीलिए इसके डंक से जो हमारे बॉडी के अंदर अमल स्रवित होता है उसका नाम क्या रख दिया गया है, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अमल। लेकिन फॉर्मिक अमल का एक और नाम भी है, और उसका नाम है दोस्तों मेथेनोइक अमल, मेथे नोई कमल। एग्जाम में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये पॉइंट या उसके अंदर जो हमें ऑप्शन दिया होगा, वही ऑप्शन दिया होगा, चिंटी द्वारा स्रावित अमल का नाम क्या है, मेथेनोइक अमल, एथेनोइक अमल, फॉर्मिक अमल, फॉर्मिक अमल नहीं, मेथेनोइक अमल, एथेनोइक अमल। चिंटी द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर अमल का स्रवण किया जाता है वो अमल कौन सा होता है, फॉर्मिक अमल या मेथेनोइक अमल, ठीक है, क्योंकि चिंटी का इंग्लिश नेम है फॉर्मिका और चिंटी से इसको प्राप्त किया गया, तो इसलिए इसका नाम क्या बनता है, फॉर्मिक अमल। मकोड़े, चिंटी, टाटिया इत्यादि द्वारा जब हमारे शरीर पर डंक लगते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर एक विशेष प्रकार के अमल का स्रवण होता है, वो अमल कौन सा होता है, मेथेनोइक अमल। अब इस अमल, जब ये अमल हमारी बॉडी में गया तो हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है।
जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमें दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस अम्लता को दूर करने के लिए हम क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं। किस पदार्थों का उपयोग करते हैं? क्षारीय पदार्थों का उपयोग करते हैं कब? जब हमारी बॉडी के अंदर अम्ल स्रवित हो जाता है। किनके द्वारा? किसी चींटी के द्वारा या किसी मक्खी के द्वारा। तब हमारे द्वारा जो पदार्थ उपयोग में लिया जाता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। क्षारीय पदार्थों के रूप में उपयोग में लिया जाता है NaHCO3। NaCO3 का पूरा नाम है दोस्तों सोडियम का बाइकार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, या इसे कहा जाता है मीठा सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा उपयोग में लिया जाता है जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगर एक और साधारण सी भाषा में बात करें तो जब हमारी बॉडी में मेथिनोइक अम्ल का स्रवण होता है तो एक साधारण सी भाषा में अगर बात करें तो हम लोहे को हमारी बॉडी के उस भाग पर रगड़ा जाता है जहां पर किसी चींटी के द्वारा या किसी मधुमक्खी या मक्खी के द्वारा काटा जाता है। लोहे को इसलिए रगड़ा जाता है दोस्तों क्योंकि लोहे का फॉर्मूला होता है Fe। लोहा जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है FeO, यानी कि लोहे का बन गया ऑक्साइड। कोई भी पदार्थ अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो वो हमेशा उसका क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। FeO बन चुका है लोहे का जो ऑक्साइड है, यानी कि लोहा है एक प्रकार की धातु। लोहा क्या है? एक प्रकार की धातु। और जब भी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है बनाती है धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। कब? जब धातु किससे रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। और दोस्तों धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है ये पूछ लिया जाता है कैसी होती है? ये होती है क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। कब? जब धातु ऑक्सीजन से क्रिया करेगी धात्विक ऑक्साइड बनाएगी और एनवायरमेंट में ऑक्सीजन बहुत पर्याप्त मात्रा में है तो धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया की और धातु का ऑक्साइड बना दिया। ये धातु के ऑक्साइड को जिस जगह चिंटी ने काटा है वहां पर रगड़ दिया जाता है जिससे हमें तुरंत आराम मिलता है, यानी कि इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। तो यहां पे प्रश्न पूछा जा सकता है जब चिंटी द्वारा हमारे शरीर में फॉर्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल का स्रवण किया जाता है तो रगड़ने वाले पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। अगर लोहे को रगड़ा जाता है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। या मीठा सोडा जो है उसका उपयोग कहां किया जा सकता है या उसका उपयोग किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। और मीठे सोडे का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3। ये तो था हमारे कीट पतंगे जो ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं। कीट पतंगों के अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर विशेष प्रकार के अम्ल का स्रवण करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक विशेष प्रकार का पादप है जो जंगलों के अंदर पाया जाता है, उस पादप का नाम है नेटल। ये क्या है? प्लांट है। नेटल नामक एक विशेष प्रकार का पौधा है जंगलों के अंदर पाया जाने वाला, जिसके विशेष प्रकार के डंक होते हैं। ये नेटल नामक प्लांट क्या करता है? जब ह्यूमन इसके पास से गुजरता है या ह्यूमन की बॉडी में इसका कोई डंक चला जाता है, ये भी फॉर्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल का स्रवण करता है। फॉर्मिक अम्ल या मेथिनोइक अम्ल का स्रवण। जब नेटल नामक जो प्लांट है हमारी बॉडी के अंदर इसका डंक चला जाता है तो वो भी एक विशेष प्रकार के अम्ल का स्रवण करता है। अम्ल कौन सा है? मेथिनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। अब ये डंक जब हमारे शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर भयंकर दर्द होता है। इसको सही करने के लिए प्रकृति ने इसकी प्रकृति कैसी दी है? अम्लीय। और प्रकृति ने ही अम्लीयता को दूर करने के लिए एक विशेष प्रकार का पौधा जनरेट किया है खुद ही, जो इस नेटल नामक पौधे के बिल्कुल पास में पाया जाता है, जिसकी प्रकृति होती है क्षारीय। जिसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। और उस पौधे का नाम है डाक नामक पौधा। पौधे का नाम क्या है? डाक नामक पौधा। यह डाक नामक पौधा नेटल के अम्लीय व्यवहार को क्या कर देता है? खत्म कर देता है, या हम कह सकते हैं उसके प्रभाव को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। और वो पौधा कौन सा है? डाक नामक पौधा। उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। और ये डाक नामक पौधा कहां पाया जाता है? जहां पर नेटल नामक पौधा पाया जाता है उसके बिल्कुल आसपास एक विशेष प्रकार का पौधा पाया जाता है जो कौन सा है? डाक नामक पौधा। और डाक नामक पौधे की प्रकृति कैसी होती है? इस पौधे की प्रकृति होती है क्षारीय।
दोस्तों हमारे द्वारा इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिए, और जितना आपको इसके अंदर बताया जा रहा है आपके लिए बहुत इनफ है। आपको इसके अलावा कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने में से 100 out of 100 आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। आप इतना ही तैयार रखें और आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों।